दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है आज और आज शाम 4 बजे होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक। प्रदेश की शेष बची 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर लगेगी मुहर। स्क्रीनिंग कमेटी ने अधिकांश सीटों पर भेजे सिंगल नाम। जयपुर ग्रामीण और सीकर सीट पर फंसा हुआ है अब तक पेंच। सीकर सीट पर डोटासरा चाहते हैं सुनीता गठाला को मिले टिकट, लेकिन कमेटी का झुकाव सीताराम लांबा के नाम पर। जयपुर ग्रामीण की सीट पर पायलट और डोटासरा आमने सामने, क्योंकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संदीप चौधरी के पक्ष में तो वहीं सचिन पायलट चाहते हैं। अनिल चोपड़ा को मिले टिकट, ऐसे में कमेटी दो दो नाम के पैनल पर चर्चा करेगी, क्योंकि दो दो नाम भेजे गए हैं सीसी को। वहीं बाड़मेर लोकसभा सीट पर आरएलपी से आए उम्मेदा राम का सिंगल नाम। नागौर सीट पर गठबंधन का मामला आज रखा जाएगा सीसी में। देखिए अभी क्योंकि राजस्थान में 15 नाम कांग्रेस की तरफ से आने बाकी हैं कि किनको टिकट मिलेगा, लेकिन इस दौरान क्योंकि बड़े नेताओं की अपनी अपनी पसंद है तो दो दो नाम भी भेजे जा रहे हैं। किसको तरजीह दी जाती है ये देखने वाली बात होगी, किस पर पार्टी भरोसा करती है। मोहर लगेगी आज, गठबंधन को लेकर भी चर्चा होगी, तो जाहिर तौर पर ही कुल मिलाकर कांग्रेस की बैठक पर नजर लगातार बनी रहेगी। हर एक अपडेट जो आ रहा है आप तक पहुंचा ही रहे हैं। इलेक्शन मतलब सिर्फ और सिर्फ जी राजस्थान, इलेक्शन से जुड़ा हर एक अपडेट आप जी राजस्थान पर सबसे पहले देख रहे हैं। शाम 4 बजे होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक, 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी और जयपुर ग्रामीण और सीकर सीट पर पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि बड़े नेताओं की अपनी अपनी पसंद है, लेकिन किसकी पसंद को तरजीह मिलती है देखने वाली बात होगी।